नमस्कार और स्वागत है आपका माय हेल्दी इंडियन किचन के नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको उत्तराखंड की कुछ मशहूर येट हेल्दी डिशेस बनाना सिखा रहे हैं। तो आज हम ऐसी ही एक दाल सीखेंगे जिसका नाम है कफली। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, 2 टेबलस्पून बेसन, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जखिया, 2 कटे हुए टमाटर और 250 ग्राम पालक। पालक को धोने से पहले हम उसे छानते हैं। छानने का मतलब है उसे साफ करना। अगर उसमें कोई भी गंदा पत्ता हो या फिर उसके पीछे गंदगी लगी हो तो हम उसे काट देते हैं। अब हम इसे अच्छे से धोकर सूखने के लिए रख देंगे। एक प्रेशर कुकर लेकर उसमें ये पालक डाल दीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालकर हम इसे बंद कर लेंगे। मध्यम आंच पर 1 सीटी आने तक हम इसे उबलने देंगे। 1 सीटी बाद इसे बाहर निकालकर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। ये बन गया हमारा पालक का पेस्ट। अब एक कढ़ाई लेकर उसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दीजिए। तेल गर्म होने के बाद उसमें 1 टीस्पून जखिया डालिए। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर वापस मिक्स कर लीजिए। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर हम इसे वापस मिला लेंगे। हम मध्यम आंच से इसे धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। उत्तराखंड में कफली को बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल भी किया जाता है, परंतु इस वीडियो में हम आपको बेसन के साथ बनाना सिखाएंगे। अब इसमें हम पालक का वो पेस्ट डाल देंगे जो हमने पहले ग्राइंड किया था और अच्छे से मिला लेंगे। अब आप धीमी आँच से इसे मध्यम आँच कर सकते हैं। अब हम 2 कप पानी उबाल लेंगे। इस उबले हुए पानी को अब हम कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आखिर में इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डालकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। वो दाल ही क्या जिसमें लाल मिर्च का तड़का ना हो। तड़का बनाने के लिए 2 टेबलस्पून घी को गर्म कर लीजिए। गरम होने पर उसमें 1 टेबलस्पून हींग डालकर 4 साबुत लाल मिर्ची डाल दीजिए और अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची डाल दीजिए। इस लजीज तड़के को हम अपनी कफली के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, हमारी कफली खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कफली को हम चावल के साथ खाते हैं। उत्तराखंड में चावल को भात बोला जाता है। कफली भात यहाँ का सबसे फेमस डिश है जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। हमारा आज का एपिसोड यहाँ ही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में।